गुड इवनिंग बच्चों, स्टूडेंट, आप सब बच्चे कैसे हो बेटा? आई होप आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हो और सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट करके मैम से अपनी नोटबुक चेक करवाएंगे। तो बेटा कल क्या है? 2nd अक्टूबर। तो कल आपका, अगर आप स्कूल में होते हैं, आपकी होलीडे है, तो आपको पता होना चाहिए 2nd अक्टूबर को क्या होता है। बेटा कल 2nd अक्टूबर को गांधी जयंती है, ठीक है? गांधी जयंती मतलब जैसे आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है कल। और आप सभी को पता होगा हम गांधी जी को बापू के नाम से ही जानते हैं। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बेटा हमें फ्रीडम दिलाने के लिए। सबको समझ में आ रहा है? आप सभी गांधी जी का पिक्चर, मूवीज वगैरह भी हैं गांधी जी की, आप टीवी में देखते होंगे, कल आएंगी भी, आप देखना, मूवीज भी हैं गांधी जी के बारे में बताया गया है, आपके मूवीज भी आएंगी कल टीवी में, उनके बारे में देखना, जानना। और सभी बच्चे उनका पिक्चर नोट, मतलब जो हमारे पास पैसे होते हैं, आप उनमें भी गांधी जी का फोटो लगा रहता है, ठीक है बेटा? तो गांधी जी का कल क्या है? बर्थडे है हमारा, कल गांधी जयंती है, इसलिए कल आपकी क्या होगी बेटा? होलीडे होगी। समझ में आई? छुट्टी है, अगर आप स्कूल में होते तो कल क्या होती है? छुट्टी होती है, ठीक है? नाउ अब आप सभी बच्चे ध्यान से आज की डेट देखिए। टुडे डेट इज, बताइए बेटा आज की डेट क्या है? आज की डेट है 1/10/2020। 1 अक्टूबर 2020 क्या है? आज की डेट है और डे है थर्सडे। THURSDAY थर्सडे क्या है बेटा? थर्सडे। और सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका? मैथ्स। क्या सब्जेक्ट है बच्चों? मैथ्स। तो मैथ्स में आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? नंबर 41, 42। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नंबर 43 एंड 44। आज हम नंबर 43 और 44 रीड करेंगे। तो सभी बच्चे लिख दीजिए 43। इस तरीके से आपको मैंने बताया एक बॉक्स छोड़ना होता है आपको, 43 43। 4 और 3, अगर इस तरीके से कहीं पे नंबर लिखा है तो वो क्या नंबर है बेटा? 43। सबको समझ में आ रहा है? आप एक बॉक्स छोड़ेंगे, देन 43 43 क्या होता है बेटा? 43 43 43। अब आप 43 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर लिखने वाले हो? 4 4 44। 4 4 क्या होता है बच्चों? 4 4 44। 4 4 44। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? 4 4 44। 4 4 बेटा 4 4 44। तो अगर कहीं पे भी ऐसे नंबर लिखा गया है तो बेटा आपको रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। ये 43 नंबर है और ये 44 नंबर है। तो स्टूडेंट दिस इज योर क्लास वर्क। ये आप सभी बच्चों का क्या है? क्लास वर्क है। 4 3 43 4 3 43 4 4 44 4 4 44। नाउ स्टूडेंट ओपन योर डायरी एंड नोट डाउन टुडे होमवर्क। आज का सभी बच्चे होमवर्क लिखिए, मैथ्स का डेट डालिए सभी बच्चे, 1/10/2020, 1 अक्टूबर 2020 आज की डेट डालिए। और मैथ्स में आप होमवर्क लिखिए 1/2/44, राइट एंड लर्न। आप सभी बच्चों को 1/2/44 राइट एंड लर्न करना है। तो आप सभी बच्चे किस तरीके से होमवर्क में लिखेंगे नेक्स्ट पेज में मैं आपको बता दूं। बेटा आपको 43 और 44 फुल पेज में लिखना है। मैम ने 3 टाइम आपको, मैम ने तो 3 टाइम इसलिए लिखा है
कि मैम आपको उसकी पहचान बता सके, रिकॉग्नाइज करवा सके, लेकिन आप सभी बच्चों को नंबर 1 to 44 नेक्स्ट पेज में करेंगे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। आप सभी बच्चे पीछे पीछे रीड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है बच्चों, 1, 0, 10। अब आप एक बॉक्स छोड़ेंगे, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20, 2, 0 क्या होता है बच्चों, 2, 0, 20। अब आपको एक बॉक्स छोड़ना है, देन 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9,
करना चाहिए 1 to 44। सबको समझ में आ गया? सभी बच्चों को रीड करना आना चाहिए 1 to 44। और आपको ये क्लास वर्क फुल पेज लिखना है 43-44 नोटबुक में, नीट एंड क्लीन वर्क में, एंड देन होमवर्क में। नेक्स्ट पेज में आप 1 to 44 राइट एंड लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट।